कॉपर वायर चोर गिरोह का खुलासा बड़वानी एसडीओपी सुश्री रूपरेखा यादव ने किया। नर्मदा किनारे के किसानों के मोटर से कॉपर वायर की लगातार चोरी हो रही थी। इसमें पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे करीब 95,000 रुपए के कॉपर वायर जब्त किए। इन चोरों द्वारा बड़वानी जिले के अंजड़ व ठीकरी थाने के ग्रामों में की थी चोरी। इसके अतिरिक्त धार व खरगोन जिले के कुछ ग्रामों में भी की थी चोरी। आज बड़वानी में एसडीओपी रूपरेखा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंजड़ ठीकरी क्षेत्र में लगातार हो रही पानी की मोटरों से कॉपर चोरी की घटना, उक्त घटना को अंजाम देने वाले चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। एसडीओपी रूपरेखा यादव ने बताया किसानों की लगातार मोटर चोरी हो रही थी नर्मदा किनारे, उसी में पुलिस टीम को सफलता मिली। दो आरोपी राजू पिता जयमाल, दिलदार पिता फूल सिंह को गिरफ्तार किया। उनके द्वारा अंजड़ थाना क्षेत्र के मोहीपुरा दतवाड़ा व ठीकरी थाने के नंदगांव, ब्राह्मण गांव, करामतपुरा, विश्वनाथ खेड़ा व धार व खरगोन जिले के कुछ ग्रामों से मोटरों के कॉपर वायर चुराना कबूल किया व चोरी करे गए कॉपर वायर मनोज पिता सिंघल निवासी गुजरी को बेचना बताया। मनोज से कुल तांबे 103 किलो तार कीमत 75,000 रुपये जब्त किया। इसी प्रकार ठीकरी पुलिस थाने में पीआर से प्राप्त पूछताछ के दौरान 8 मोटरों के कॉपर वायर कुल 45 किलो कीमत 18,000 रुपये जब्त किए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। जी हाँ, पिछले कुछ समय से किसान काफ़ी परेशान थे। उनकी लगातार मोटर चोरी हो रही थी थाना अंजड़ और ठिकरी क्षेत्र के गांव जो नर्मदा किनारे से लगे हुए हैं। उस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसने एक मोटर चोर गिरोह को पकड़ा है, जिनके द्वारा लगातार पिछले एक वर्ष में काफ़ी मोटरें चोरी की गई हैं। और पूछताछ के दौरान उनसे लगभग 25 मोटरों के तार बरामद किए हैं, जो लगभग 150 किलो वजनी हैं और 95,000 रुपये कीमती होंगे। कितने आरोपी हैं इसमें? 4 आरोपी हैं। मुख्य रूप से 2 आरोपी जो मोटर चोरी का कार्य करते थे, कॉपर वायर उसमें से निकालते थे, और उसके बाद जो 2 आरोपी हैं जिनको वो बेचते थे, बर्तन की दुकान वाले। इसमें अभी आगे और पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से आगे और ये माल आगे बेचते थे और इन्होंने कहां कहां चोरी की है।